टुडे माय टॉपिक नेम इज़ देयर ओजेनेसिस। इन ओजेनेसिस यू सी द फर्स्ट पॉइंट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इन द ओवरी इज कॉल्ड ओजेनेसिस। इट मीन्स ओवा का फॉर्मेशन होना ओवरी में, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ओजेनेसिस कहलाती है। नाउ ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द फीमेल फीचर्स। ओजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है दे कैन बी स्टार्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द फीमेल फीचर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर अबाउट अ कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी, नो न्यू ओगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। इट मीन्स बहुत सारी मिलियंस ओगोनिया जो होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं ईच ओवरी में, दे कैन नॉट फॉर्म एनी न्यू ओगोनिया आफ्टर द बर्थ। बर्थ होने के बाद कोई भी न्यू ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर ओगोनिया ओगोनिया स्टार्ट डिवाइडिंग एंड एंटर इन टू द प्रोफेज। Now, first of meiotic division and get temporarily arrested at this stage. Now they are called the primary oocytes. Ogonia divide karna start ho jati hai during enter into the prophase first of the meiotic division. Ye temporarily arrested ho jati hai kuch samay ke liye. Now they are called primary oocytes. Us condition ko hum kehte hain primary oocytes. तो जब उनका मियोटिक डिवीजन होता है इन केस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट दे आर कॉल्ड द प्राइमरी ओसाइट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द प्राइमरी ओसाइट्स गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ग्रेन्युलोसा सेल एंड आर कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। देन जो प्राइमरी ओसाइट सेल्स होती है दे आर सराउंडेड बाय द ग्रेन्युलेसा सेल। अगर वो ग्रेन्युलेसा सेल से सराउंड हो जाती हैं तो उनका टर्मोलॉजी नेम इज देयर primary follicles. Now next point is there now next point you see a large number of these follicles degenerate from birth to puberty and only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. So बहुत मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर डीजनरेटिंग फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, तो बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम तक बहुत ही फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं एज अ लार्ज क्वांटिटी में। ओनली लेफ्ट इन देयर ओवरी 60 to 80,000 आर प्राइमरी फॉलिकल्स। ओनली केवल 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। So this one is the important line. It means 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Now next point is there. The primary follicles get surrounded by more granulosa cells and a thecal layer and are called the secondary follicle. It means जो primary follicle cells थी वो granulosa cells की कई layers से सराउंड हो जाती हैं और आउटर में एक थीकल लेयर्स से सराउंड होती हैं। तो उस कंडीशन को उस डायग्राम उस प्राइमरी फॉलिकल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यू सी द सेकेंडरी फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाई द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। देन सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होती हैं उसमें वो ट्रांसफॉर्म होती हैं टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि इनसाइड एंट्रम बन जाता है। एंट्रम मतलब वो स्पेस जो लिक्विड फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसे हम लिकल फोकाई कहते हैं, जिसमें लिक्विड फ्लूइड फिल्ड होने से जो स्पेस बनता है दैट्स कॉल्ड द एंट्रम, उसे हम क्या कहेंगे एंट्रम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर
प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट इन द टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिविजन टू प्रोड्यूस अ लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट एंड अ टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी. सो इनका कहना ये है, नॉट दिस वन इज देयर. प्राइमरी ओसाइट्स जो होता है वो प्रेजेंट होगा किस में, टर्शरी फॉलिकल में. सपोज दैट दिस वन इज देयर टर्शरी फॉलिकल. अब प्राइमरी ओसाइट्स आर देयर इनसाइड. सो प्राइमरी ओसाइट्स जो है वो कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूसर लार्ज हैप्लॉयड सेल्स. इसमें क्या होता है कि देखिए, एंड सेकेंडरी ओसाइट्स एंड फर्स्ट टिनी पोलर बॉडी. इसमें क्या होता है कि अनईक्वल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है. सो अनईक्वल डिवीजन साइटोप्लाज्म में होने की वजह से इसमें मियोटिक डिवीजन. तो दिस वन इज देयर सेकेंडरी ओसाइट एंड दिस वन इज देयर पोलर बॉडी. सो दिस वन इज देयर पोलर बॉडी. सो द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स. दिस वन इज देयर. द टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इंटू मेच्योर फॉलिकल. सो ग्रेफिन फॉलिकल्स एंड द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द जोना पेलोसुडा. द ग्रेफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट इन द फॉर्म ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी. इट्स कॉल्ड द ओव्यूलेशन. इट मीन्स सेकेंडरी ओसाइट्स, इट मीन्स ओवम आर रिलीजिंग फ्रॉम देयर सेकेंडरी ग्रेफिन फॉलिकल्स. सो इट इज, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन. नाउ ग्रेफिन फॉलिकल्स आर रप्चर्स इन दिस टाइम द सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम द ओवरी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन. This one is the structure of TS of ovary. TS of ovary, you see different numbers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके. One number you see, this diagram is their primordial follicles. Now this one is their primordial follicles. Primordial follicles are there. Inside blue color structure you see, this one is there the oocytes. Oocytes के चारों ओर follicle cells are there arranging, surround. चारों ओर जो होती हैं उसको surrounds कर देती हैं. तो this one structure is called the primordial follicles. Now, next one is there the second structure. Primordial convert into the primary follicle. Primary follicle वो तब कहलाती हैं जब oocytes के चारों ओर granulosa cells का formation हो जाता है. सो जब ग्रैनुलेसा सेल्स का फॉर्मेशन होता है दैट कंडीशन इज नोन एज दे आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स. इन प्राइमरी फॉलिकल यू सी दिस वन इज सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड द ओसाइट्स. ओसाइट के चारों जो एक रिंग लाइक मतलब जो उसके वो सराउंड की रहती है दैट्स कॉल्ड द विच लेयर आर देयर जोना पेलोसुडा. ओसाइट को चारों ओर से सराउंड करने वाली जो लेयर्स होती है दैट्स कॉल्ड द जोना पेलोसुडा. एंड जोना ग्रैनुलोसा सेल्स को जो चारों ओर से लेयर्स की कवरिंग करती है थीका सेल्स दैट इज कॉल्ड देयर द प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है, इट मीन्स ग्रैनुलोसा सेल्स के चारों ओर जो लेयर्स सराउंड करेगी दैट्स कॉल्ड द थीका सेल. इट्स टर्मोलॉजी इज नेम इज देयर द प्राइमरी फॉलिकल. अब नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर यू सी दिस वन इज द सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल सेम इज लाइक स्ट्रक्चर, ओनली डिफरेंस फॉर देयर एंट्रम. इनमें ग्रैनुलोसा सेल्स में सम स्पेस आर देयर. जो स्पेस का फॉर्मेशन होने लगता है उसमें एक लिक्विड मटेरियल फिल्ड होता है दैट्स कॉल्ड द एंट्रम. उस एंट्रम के अंदर जो स्पेस होता है दैट्स कॉल्ड द एंट्रम. और एंट्रम आर फिल्ड बाय द लिकर फोकलाई. नाउ नेक्स्ट इज देयर सेकेंडरी फॉलिकल्स. सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट इन द टर्शरी. इट्स अ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स. नाउ इन मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स यू सी दिस वन स्ट्रक्चर इज देयर ओसाइट्स. ओसाइट के चारों ओर जो एक लेयर है दैट्स कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा. नाउ स्पेस आर सो लार्ज, एंट्रम जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. सो स्पेस आर द लार्ज दैट्स अ एंट्रम. नाउ ग्रेफियन फॉलिकल्स आर मैच्योर, दे कैन रप्चर. एंड रप्चर होने के बाद ओवा इसमें से रिलीज हो जाता है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन.
इट मीन्स ग्रेफियन फॉलिकल्स आर मेच्योर, दे कैन रप्चर एंड रिलीजिंग द ओवर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन में मैं ओवा का स्ट्रक्चर आपको इसके बाद में बताऊंगी। देन जो बचा हुआ मटेरियल होता है लेफ्ट मटेरियल आर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो इन जनरेटिंग, दैट्स कन्वर्टेड इन टू द कॉर्पस एल्विकल्स। सो दिस वन इज द चेंजेस ऑफ द फॉलिकल्स इन साइड द ओवरी एंड रिलीजिंग द ओवा इन दिस पिक्चर। दिस वन इज देयर द फॉलिकुलर चेंजेस यू सी इन द ब्रॉडली इन द इसमें बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। नाउ सी इन देयर द प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज देयर रेड कलर सेल्स, येलो कलर सेल्स आर देयर कॉल्ड द ओसाइट्स। ओसाइट्स सराउंडेड बाय द स्ट्रोमल सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दे आर प्रीमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्टिंग इन द प्राइमरी ओसाइट्स। इन प्राइमरी ओसाइट्स जोना पेलोसुडा आर फॉर्मिंग देयर। जोना पेलोसुडा इज गिवन ओनली द नरिशमेंट टू द ओसाइट्स। ओसाइट्स को नरिशमेंट देने के लिए जोना पेलोसुडा आर फॉर्म्ड इन हेयर, बिकॉज इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये दो सेल्स इस तरीके से फॉलिकल्स होती है, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिससे ये न्यूट्रिशंस प्रॉपरली ओसाइट्स को देती हैं। नाउ प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स, दिस वन इज द ग्रोइंग फॉलिकल्स। मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल तक में जो चेंजेस होते हैं दैट्स आर ग्रोइंग फॉलिकल्स, बिकॉज इन हेयर ओनली डेवलपिंग द सेल इनसाइड एंड फॉर्मिंग द लेयर। नाउ कम इन दिस पॉइंट, दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल। दिस प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या करते हैं कि बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर्स जो होती हैं वो ओसाइट्स के चारों ओर फॉर्म्ड होती हैं, एंड आउटर इज देयर थीका, इनर साइड इज देयर थीका लेयर आर फॉर्मिंग, दैट्स अ थीका इंटरनल। और ओसाइट्स के चारों ओर जो सेल्स के बनती है दैट्स कॉल्ड द जोना पेलोसिटा। सो दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल। नाउ प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इन टू द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल यू सी सम लेयर्स आर फॉर्मिंग, सी इन दिस डायग्राम शोइंग थीका इंटरना दिस वन लेयर आर देयर, एंड थीका एक्सटर्ना ग्रीन कलर दिस वन लेयर्स आर देयर, एंड ओ साइड्स इन येलोइश कलर। इसके चारों ओर जो लेयर थी जिसे हमने जोना पेलोसुडा कहा था, एंड जोना पेलोसुडा के आप ब्लू कलर के जो फॉलिकल्स इधर देख रहे हैं दैट्स कॉल्ड द ग्रेनुलोसा सेल्स। नाउ सम स्पेस आर सीन इन हेयर। इस स्पेस में, स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम, दे आर फिल्ड बाय द लिक्विड मटेरियल। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। Now, secondary follicle convert into the graafian or mature follicle. This one is the important structure because they are rupturing and releasing the ova. So, in graafian follicles, you see, theca externa is their outer layer and theca interna is there just below the theca externa. Now, This one layer is there, theca interna. Now outer is there, theca externa. So the space are inside. This one space are there. It's called the antrum. They are filled by the liquor folliculi. Now this granulosa cells is called the membrana granulosa. Now around the layer of oocytes, it's zona pellucida is, they are converting into corona radiata. This one is the corona radiata. Now in here this space is called the cumulus ophorus, kyunki they can rupture the ovary from here.
यहाँ से ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड होगा, देन रप्चर होने के बाद दे आर रिलीजिंग द ओवा फ्रॉम देयर साइड्स, सो दिस वन इज स्पेस इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्यूमुलस ऑफोरस। नाउ इन हेयर द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओजेनेसिस। इन ओजेनेसिस यू सी द ओगोनिया। ओगोनिया आर स्टार्ट डिवाइडिंग एंड एंटर इन टू द प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक डिविजन टेम्पोरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। नाउ ओगोनिया जो होता है दे कैन फॉर्म द ओ प्राइमरी ओसाइट्स, दे आर अरेस्टेड ऑन दैट स्टेज। इट्स द फीटल लाइफ, इट मीन्स दे आर इंटर दे आर द फीटल लाइफ। ये फीटल लाइफ इट मीन्स जब यूट्रस में फीमेल आर प्रेजेंट ऑन देयर, इट्स अ गैमेट मदर सेल्स आर देयर ओगोनिया एंड फॉर्म इन ईच ओवरी। सो इन द स्टार्ट डिवाइडिंग ऑन दैट टाइम दे आर एंटरिंग इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिविजन। नाउ इन प्राइमरी ओसाइट्स, इन प्राइमरी ओसाइट्स गेट सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल्स कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। नाउ प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाई द ग्रेनुलोसा सेल दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। सो प्राइमरी फॉलिकल्स, नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू द प्योबर्टी। मतलब जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि जब फीटल लाइफ होती है तो उस समय हमारे पास मिलियंस फॉलिकल्स आर देयर, बट इन हेयर दे आर डीजनरेटिंग फ्रॉम द बर्थ टू द प्योबर्टी। बर्थ टू प्योबर्टी तक डीजनरेट होते हैं, ओनली लेफ्ट ऑनली देयर 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स। सो दिस प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाई द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीकल लेयर कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल्स। सो प्राइमरी फॉलिकल्स का सेकेंडरी फॉलिकल्स तक और सेकेंडरी कन्वर्टेड इन द टर्शरी तक, इस समय ग्रोइंग डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल फेज इन सेल। केवल सेल अपने आप को डेवलप करती हैं बाय द स्ट्रक्चरल व्यू। नाउ इन देयर द प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट इन द टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिविजन, सो प्रोड्यूस हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट्स। दिस वन प्रोड्यूसेस द हैप्लॉयड, इन हेयर सी देयर दिस वन इज द हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट्स एंड द टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी दिस वन इज देयर। सो इन दिस फेज टीनी पोलर बॉडी आर डीजनरेट। नाउ दिस वन इज देयर डीजनरेट। सो सेकेंडरी ओसाइट आर रिटेन अ बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओसाइट। सो टर्शरी फॉलिकल चेंज इंटू द मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द जोना पेलोसुडा। नाउ इन हेयर द ग्रेफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स आर रप्चर्ड इन हेयर, दे आर रिलीजिंग द सेकेंडरी ओसाइट्स इट्स ओवम। सेकेंडरी ओसाइट्स क्या हो जाएगा? ओवम। नाउ दे आर रिलीजिंग द ओवम। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। नाउ यू सी देयर इन ओवम द लेयर ऑफ जोना पेलोसुडा। दिस वन इज द लेयर ऑफ जोना पेलोसुडा। This layer is the thick membrane and exists from sometimes post-fertilization. It is the outer protective layer. This one is the zona pellucida. Now, corona radiata. So, see this one. This one is there, corona radiata. So, corona radiata is there. Two, three layers attached to zona pellucida. जोना पेलोसुडा से कोरोना रेडिएटा टू थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स अटैच होती है। दे आर सप्लाई वाइटल प्रोटीन्स टू द सेल। दिस वन गिव द वाइटल प्रोटीन्स टू द सेल। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर विटेलाइन मेम्ब्रेन। यू सी
दिस वन इज देयर विटेलाइन मेम्ब्रेन. वॉट इज द रोल ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सेल एंड कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट इज देयर ऊप्लाज्मा. ऊप्लाज्मा दिस वन इज देयर. इट मीन्स जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, वैसे ही ओवम के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स आर देयर दैट्स कॉल्ड द ऊप्लाज्मा. सो साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सेल एंड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो. नाउ नेक्स्ट वन इज देयर द जर्मिनल वेसिकल्स. इन हेयर सी जर्मिनल वेसिकल्स. दिस वन सी द जर्मिनल वेसिकल्स. जर्मिनल वेसिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेल एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल. नाउ इन सेंटर पोजिशन यू सी दिस वन देयर द जर्मिनल स्पॉट. सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. द डायग्राम ऑफ ओवम एंड दिस देयर साइड ऑल दिस थिंग्स आर रिटन इन हेयर. वॉट इज द रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयल इन द ओवम.